चलिए एक और नई स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका नेम सेट 22 में ऑल इंडिया रैंक 9th है, भव्या पांडे। भव्या जो है वो बैंगलोर में है अभी और बैंगलोर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब पहली से ग्रेजुएशन किया पर बैंगलोर में रह रही हैं। और भव्या आपको 9th रैंक के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर। सर सब आपकी वजह से हो पाया, मैंने कॉन्स्टेंटली आपकी सारे वीडियोस फॉलो करी, जब भी कोई डाउट आता था कुछ भी तो आपका उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो आ जाता था, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो सर थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड भव्या। भव्या के बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे हर्ष गोयल की ऑल इंडिया रैंक 2 है, उन्होंने भी फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, और भव्या आपके साथ भी अच्छी बात है कि आपने भी फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है और ये खुशी की बात है। मतलब अगर हम समय रहते सही डिसीजन लेते हैं तो देखिए कई बार ड्रॉप्स के चांस बच जाते हैं, तो ये भी आपकी एक सक्सेस बहुत अच्छी है। और आपकी सक्सेस के लिए मैं आपको भी और आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अब चाहूंगा कि आप मुझे अपनी सक्सेस जर्नी बताएं डिटेल में, कि जैसे आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ और आपने कब से निमसेट के लिए प्लान किया था और पढ़ाई का आपका शेड्यूल क्या था, ये सब चीजें बताएं। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। सर मैंने पिछले जून में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड मैंने सर सबसे पहले बेसिक बुक्स करी, मैंने आर डी शर्मा 11th 12th कंप्लीट करी एंड देन सर मैंने यूट्यूब में थोड़ी और वीडियो से लेकर रेफरेंस लेकर के अपने और स्ट्रॉन्ग करे कॉन्सेप्ट्स एंड देन सर मैंने अरिहंत की गाइड बुक आती है तो सर मैंने वो करी एंड देन सर मैंने इम्पीटस गुरुकुल की फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी एंड सर उसमें मैंने रेगुलरली मॉक्स दिए एंड जो भी मेरे स्कोर्स आते थे मैं उसका एनालिसिस करती थी एंड प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ हमें उसमें मिल जाता था तो वो सब मैंने पूरा एनालिसिस करती थी एंड बस सर लास्ट मोमेंट तक हम बस वही सर ने आपने जैसे बोला था कि सिर्फ इस वक्त मॉक्स दीजिए तो मैंने वो 68 टोटल मॉक्स थे हमारे तो वो मैंने सारे कंप्लीट करे थे। बिल्कुल सही करा आपने। देखो क्या होता है, जो टेस्ट सीरीज होती है पीटर्स गुरुकुल की और जो रेगुलर कोर्स टेस्ट सीरीज पर उनके एनालिसिस, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ाई करना है और साथ में टेस्टिंग करना है, तो चीज का जो लोग कॉम्बिनेशन रखते हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने वही किया कि आपने एक एक मॉक को अच्छे से दिया, एनालिसिस करा और कोई क्लास कभी नहीं छोड़ी, देखो उसका आपको फायदा मिला। अच्छा आपका रूटीन्स क्या रहता था पढ़ाई को लेके, मतलब आपको ग्रेजुएशन को लेके कभी कोई प्रेशर हुआ या दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, कई बच्चों को ये बहुत डर होता है मन में, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? सब पहले तो कोविड की वजह से हमारा ऑनलाइन चल रहा था तो तब इतना इशू नहीं होता था, दोनों चीजें मैनेज हो जाती थी। फिर अचानक से कॉलेज खुला तो शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई लेकिन फिर धीरे धीरे कॉलेज के साथ, क्योंकि टीचर्स भी हमारे कॉलेज में बहुत सपोर्टिव थे तो इस वजह से एडजस्ट हो गया एंड मैं बस वही जो भी जहां पर भी, मतलब जिस वजह से मेरा स्कोर कम हो रहा है या जो भी रीजन, जहां पर भी मैं काम कर सकती हूँ उस पर मैं वर्क करती थी, बस यही रूटीन रहता था एंड सर आपकी वीडियोस देखकर बस मोटिवेटेड रहती थी। चलो ये अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि आपके अगर मदर फादर हो वो भी कुछ बोलना चाहें तो जरूर उनको बुलाइए। सर मेरी मदर, हाँ मदर को मिलवाइए। गुड इवनिंग सर। जी 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 नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थैंक यू और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी वजह से ही भव्या इतना कुछ कर पाई। जी थैंक यू, आपने देखा होगा भव्या को ऑनलाइन पढ़ते हुए और आपने कभी कभी मेरे लेक्चर भी हो सकता सुने हो, तो आप अपने भव्या के बारे में कुछ बताइए कि क्या चीज है भव्या में स्पेशल जो आपको लगती है कि, क्योंकि एक सिंसियर बच्चा जो होता है वही इस तरह से पढ़ाई करके अच्छी रैंक लाता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर इसका ये था कि जो भी कुछ करना है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी एडजस्ट हो लेकिन वो मिस नहीं होना चाहिए ये। और आपकी वीडियो इसने कभी शायद मुझे नहीं लगता कभी छोड़ी हो, चाहे डाउट क्लास हो। जी बिल्कुल सही बात बोली कि किसी भी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कंटिन्यूटी कैसे रखते हो आप, और वही बात मैंने अभी बोली कि भव्या ने ना तो कोई टेस्ट छोड़ा ना कोई क्लास छोड़ी और उसी के वजह से आज ये अच्छा रिजल्ट है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखें और अपने ऊपर बिलीव बनाए रखें। तो जब आपने पेपर दिया था और पेपर के बाद आपका स्कोर आया था, जब आपके मन में क्या फीलिंग आती थी, जब क्या लगता था आपको? सर मैं एक्चुअली जो भी, जैसे जो मेरे मॉक्स भी होते थे मैं अपने फादर के साथ हमेशा शेयर करती थी
तो वो ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली गाइडिंग मी. तो मैं जैसे ही टेस्ट सेंटर से बाहर आई मैंने उनको बोला कि पापा 750 बनेगा एंड मेरा स्कोर भी एग्जैक्ट 749.5 मतलब उतना ही बना. ठीक तो है, सर वही मतलब कॉन्स्टेंटली सबका सपोर्ट रहा, इसी वजह से सब पॉसिबल हुआ. चलो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी आपको, आपको भी, फादर को भी, आपको भी, सभी लोगों को अवार्ड सेरेमनी में भोपाल आना है, और आपको सेरेमनी में भी काफी अच्छा लगेगा, मैं वेट भी करूंगा। अच्छा भव्य, आप क्या अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो जो बच्चे सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में होते हैं? कई बच्चे सेकंड ईयर फाइनल वाले सोचते हैं हम एक बार ग्रेजुएशन करें उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? सर मेरा यही मैसेज होगा कि मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन के साथ ही कर लें, क्योंकि उसमें एक कंटिन्यूटी हमारी बनी रहती है और सर की हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. वो हमें कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए. एंड बस सर, और अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स उनके उन्हें फॉलो करते रहें एंड वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे. चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वंस अगेन, आपको भी ढेर सारी बधाई, पापा को भी बोलिएगा आप, और अभी जो आपने अभी रैंक अचीव की है उसको आप सेलिब्रेट करो, खुश रहो और आगे बढ़ो, अभी आपको एनआईटी त्रिची में भी जाके ऐसे ही कमाल करना है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू बेटा।